सब्जी मंडी का गति बार मैंने एक दिन में सब्जी मंडी लिया। माई सेल्फ पदम लटकानिया, समाज सेवी कैथल। ये जो कोरोना महामारी सारे विश्व में फैली हुई है, जैसा कि प्रधानमंत्री जी महोदय ने 23 तारीख को लॉकडाउन हुआ था, उसी समय से हम जो ये गरीब मजदूर प्रवासी हैं, इनके सेवा में तत्पर हैं और सुबह शाम हम लगभग 1000 से 1200 गरीब दिहाड़ीदार मजदूरों को हम दोनों समय खाना दे रहे हैं, उनके घर जाके हम खाना दे रहे हैं। और खाने में सुबह अलग सब्जी बनेगी, दाल या चावल, आलू, गोभी, दोनों समय अलग अलग सब्जी हैं, तवे की रोटी हैं। और कुछ हमने लगभग 125 किटें जो है वो शुरू में महिला पतंजलि योग बहन अमर राविश जी के साथ मिलकर शहर की अलग अलग बस्तियों में, जिनमें डीएवी स्कूल के पीछे खुराना रोड और दूसरी बस्तियों में वितरित की। और अमरगढ़ गामड़ी जो कि राकेश सरदाना जी का वार्ड है, उसमें भी 25-30 किटें सूखे राशन की हमने वितरित की हैं। और जो भी हमें ऐसा लगा कि ये गरीब परिवार हैं, इनको सूखे राशन की आवश्यकता है, वो सूखा राशन उनको दिया। उसके 3 दिन के बाद लगातार 26 तारीख से हम जो है ये भोजन दोनों समय का ताज़ा भोजन इन गरीब व्यक्तियों को दे रहे हैं। और जैसा कि आज लॉकडाउन का समय बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री महोदय जी ने, इसको 3 तारीख तक किया है, उसमें मेरे साथ महिला पतंजलि योग की संस्था लगी हुई है, इसके साथ साथ भाई राजीव जी गुप्ता बिट्टू फोटो स्टेट वाले, कृष्ण कुमार जी बत्रा हरिओम कैटर वाले, राजेश जी कठानिया, नरेश जी गुप्ता, अनिल गुप्ता और भी हमारे बहुत से साथी इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। और सुरजीत कैटर, उनका छोटा भाई राजेश, प्रजापति, मोहित जी, दीपक जी, ये निःशुल्क इनके 12 आदमी लगे हुए हैं खाने पर की व्यवस्था में। जो भी जो ये व्यवस्था है खाने पीने की, जो भोजन बन रहा है वो निःशुल्क, इनका बहुत बड़ा हमारे से योगदान है। असली बधाई के पात्र तो ये सारे हमारे जो सेवा में लगे हुए हैं। इनके साथ साथ हमारे साथ और भी भाई इस सेवा में लगे हुए हैं, निःशुल्क सेवा में लगे हुए हैं। हम सभी भाइयों का धन्यवाद कर रहे हैं। आप पीछे देख भी रहे होंगे कि ये लोग किस ढंग से सेवा कर रहे हैं, ये भी हमारे साथ साथ हम तो कम बधाई के पात्र हैं। जो लोग अपनी तन मन से सेवा दे रहे हैं वो सभी लोग इसमें बधाई के पात्र हैं। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री महोदय ने हमें दिशा निर्देश दिए हैं कि ये लॉकडाउन 3 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, तो हम परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इस लॉकडाउन में सारा विश्व ठीक रहे, सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आए और इसी तरह हम इन गरीब परिवारों की सेवा करते रहें। मैं राजीव गुप्ता, बिट्टू फोटो स्टेट कैथल, महिला पतंजलि योग समिति के साथ, जिनकी अध्यक्षा श्रीमती अमर राविश जी हैं, उनके साथ मिलकर हम ये जो कार्य है हर रोज खाना पैकिंग का, 500-600 सुबह और 500-600 शाम को, वो गरीब आदमी जो काम नहीं कर सकते, जो दिहाड़ी पे नहीं जा सकते, बाहर से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क डेली उनको घर घर जाकर दे के आते हैं।
और ये हमारा मुख्यतः खाना जो है सिग्नस हॉस्पिटल के सामने पंतनगर में देवीगढ़ रोड पे और ये छज्जू कुंड पे और अर्जुन नगर में महादेव कॉलोनी में और चंदाना गेट मुख्यतः हम ये सब जगह खाना वितरित कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश मुताबिक जब तक ये कोरोना है हम सब मिलके उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और हम इस महामारी को बहुत आसानी से जीत लेंगे। और हम जिसकी बहन अमर रावी जी हैं प्रधान, उन्हीं के सहयोग से सभी मिलके सारे कार्य कर रहे हैं। दिन में 1000-1200 पैकेट देते हैं जो गरीब लोग हैं, जहां राशन नहीं पहुंच सकता वहां राशन दी जा रही है।